गुड मॉर्निंग, दिस इज गौतम कुमार टीचिंग यू ज्योग्राफी चैप्टर 4। टॉपिक इज मैप्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैप्स। ए मैप, मैप क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन होता है। मैप, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इसमें हम अर्थ सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो मैप कहलाता है। आप देखते होंगे, जैसे यहां आप देख सकते हैं, ये सामने में आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड मैप है जिसमें पूरा कंटिनेंट, ओशियन सभी दर्शाए गए हैं। यदि मैं नेशनल लेवल की मैप की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं, ये नेशनल लेवल का मैप है जिसमें हम पूरे स्टेट को देख सकते हैं। ये बिहार है, झारखंड है, पड़ोसी देश देख सकते हैं, बाउंड्री देख सकते हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो मैप जो होता है ये इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हर गांव का मैप होता है। तो मैप में हम ढेर सारी चीजें पाते हैं। अब ग्लोब जो देखा इससे पहले, जो मैंने ग्लोब के बारे में बताया था, तो देखिए ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो होता है, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। उसको हम रोटेट करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा कंटिनेंट किधर है। ग्लोब में दो कलर का यूज किया गया था, एक ब्लू जो कि वाटर बॉडीज के लिए था, और ग्रे कंटिनेंट्स जितने हैं, ऑल द 7 कंटिनेंट्स, तो उसको दर्शाए गए थे। तो ये मैप में हम ड्रॉ कर सकते हैं अर्थ सरफेस को। अब मैप कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैप का टाइप्स मैं बता दूं, एक होता है फिजिकल मैप, फिजिकल फिजिकल मैप। दूसरा है थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप। और तीसरा है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप। अब देखिए ये तीन तरह के मैप है हमारे पास। फिजिकल मैप में क्या होता है, तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कंटिनेंट्स हैं, प्लेट्यूस हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर है, ओशियन है, ये सभी सभी आते हैं फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, याद रखना है कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूस, प्लेन्स, रिवर्स आदि आते हैं फिजिकल मैप में। उसके बाद बचता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में देखिए जितने भी तरह के इंडस्ट्रीज है, इसमें जैसे वाटरफॉल कहाँ कितना होता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो सब हम थीमेटिक मैप में पा सकते हैं। इसमें फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कितना वर्षा होती है, वो कहाँ कौन कौन से वन है, कहाँ इंडस्ट्रीज है, ये सारे हम थीमेटिक मैप में पाते हैं। उसके बाद बचता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में जितने भी देश है, स्टेट है, उसके बाद उसका बाउंड्री है, ये सभी हम पॉलिटिकल मैप में पाते हैं। इन पॉलिटिकल मैप से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। तो फिजिकल मैप को ही हम रिलीफ मैप भी कहते हैं। ये तीन टाइप्स ऑफ, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मैप, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में जितने भी तरह के देश है, राज्य है, पूरे वर्ल्ड के स्टेट बाउंड्रीज है, नेशनल बाउंड्रीज है, वो सारे हम पॉलिटिकल मैप में पाते हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो वो पॉलिटिकल मैप। थीमेटिक मैप में जो भी रेनफॉल होता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और फिजिकल मैप में हो गया जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वो प्लेट्यू है, माउंटेन है, प्लेन्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये सभी हम फिजिकल मैप में पाते हैं। तो इतना मैप के बारे में। अब मैप का जो है कंपोनेंट्स होगा, तो मैप्स के तीन कंपोनेंट्स है, याद रखना है आपको। मैप के तीन कंपोनेंट्स है, वो तीन कंपोनेंट्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये तीन है मैप के कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। देखिए किसी भी जगह के बारे में हमें ये जानना जरूरी होता है कि दूरी क्या है। मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल को जाते हैं, तो दूरी है कि 500 मीटर है या 100 मीटर है या 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो ये डिस्टेंस बहुत जरूरी है, जो कि मैप के हम इससे डिस्टेंस के बारे में जानते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी भी एरिया को दिखाया जाता है कि ये समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचा है, डिस्टेंस। उसके बाद है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन बहुत अहम रोल है। आपका मित्र आपसे मिलने आया है, वो स्टेशन पर है और आप उसको बुलाना चाहते हैं, तो एक स्केच करते हैं कि ऐसे ऐसे आपको आना है। डायरेक्शन बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन के आप किसी भी जगह पर नहीं जा सकते।
अब देखिए डायरेक्शन कितने हैं, डायरेक्शन यहां मैं बता दूं कि ये फोर डायरेक्शन है हमारे, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। देखिए हमें दिशा की जानकारी के लिए यदि एक दिशा को हम पा लेते हैं, जैसे नॉर्थ को पा लेते हैं, तो सभी दिशाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। और पहले जमाने में क्या होता था कि लोग जो है ध्रुव तारा, क्योंकि हमेशा उत्तर में ही दिखाई देता है, ध्रुव तारे से लोग दिशाओं का ज्ञान करते थे। आजकल हमें मोबाइल के जरिए सारा ज्ञान मिल जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाना है। तो ये नॉर्थ पोल से पहले लोग पता कर लेते हैं, 10 मिनट का पता। तो नॉर्थ यदि है तो ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये दीज आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन। ये क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन। लेकिन यदि किसी के बीच में हम लाइन खींच दें और ये लाइन खींच दिए, अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये बीच वाला जो है ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार जो है जो कि घेरे में हम दिखाए हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है कार्डिनल डायरेक्शन। एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दीज आर द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो यदि डायरेक्शन का हम ज्ञान करते हैं, देखिए मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना, मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हमेशा एक ही दिशा में, ये जो है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करता है। यानी एक मैग्नेटिक नीडल को यदि हम छोड़ दें तो वो हमेशा ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लटका रहता है। तो इससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं कंपास नीडल के जरिए भी। तो डिस्टेंस अब है मैप, स्केल मैप कितने तरह के होते हैं, तो स्केल मैप दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। तो कंपास नीडल समझ गए, ये हमेशा किस दिशा में लटकता है, तो नॉर्थ और साउथ दिशा में, ठीक है। अब है डायरेक्शन हो गया, अब है सिंबल्स, डिस्टेंस समझ गए, डायरेक्शन समझ गए, सिंबल्स के बारे में हम बताएंगे। यदि मंदिर, यदि कोई चर्च है तो चर्च को, अब वहां मैप में चर्च तो वहां पूरा नहीं बना सकते ना, तो वहां सिंबल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये रेक्टेंगुलर एरिया मैंने खींचा और यहां ऊपर में ये मैंने प्लस का चिन्ह दे दिया, तो ये क्या, ये सिंबल क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कि यहां चर्च है। उसी तरह मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस है तो वहां पीओ लिखा रहेगा, या पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिखा रहेगा। यदि मंदिर है तो मंदिर कैसे बना रहेगा, देखिए मान लीजिए ये है गेट, इसका बना दीजिए, ये गेट हो गया और देखिए ये इसको खींच दीजिए, ये हो गया मंदिर। यानी ये सब संकेत करता है कि यहाँ ये चीज है, मंदिर है। अब जैसे मैं रोड्स के बारे में बता दूं, तो रोड्स दो तरह के होते हैं, एक मेटल और दूसरा अनमेटल। तो मेटल रोड के लिए ये लाइन होता है, पैरेलल पैरेलल लाइन यदि हम खींच देते हैं तो ये मेटल रोड हो गया। लेकिन यदि इसको हम छोटा छोटा करके खींचते हैं, जैसे ये और ये, ऐसा यदि मैप में रहे तो ये हो गया आपको मेटल रोड, मेटल, ये हो गया आपको मेटल रोड और ये हो गया अनमेटल ये रोड, ये हो गया अनमेटल रोड। उसी तरह से हम यदि बाउंड्री की बात करें, अभी भी सीमा भी बात चल रहा है तो बाउंड्री की बात जानना जरूरी है आपको। देखिए बाउंड्री जो होता है वो तीन तरह का होता है, एक होता है इंटरनेशनल बाउंड्री, दूसरा होता है स्टेट बाउंड्री और तीसरा होता है आपको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो ये यदि बोल्ड करके ये लाइन है और फिर ये काला डॉट है, काला डॉट, फिर ये मोटा लाइन है और फिर ये काला डॉट है, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री। ये जो हुआ हमने जो ये संकेत दिया है ये किसका है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री का है। अब चलिए मैं नेशनल बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री में पतली लाइन होती है, इसमें भी काला डॉट होता है, पतली लाइन फिर काला डॉट होता है फिर पतली लाइन। तो ये हो गया आपको स्टेट बाउंड्री। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की यदि बात करो तो ये हो गया, एक डैश डैश करके खींच दीजिए आप सिंगल, एक ये डैश जो हम खींचे, ये हो गया आपको डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो ये नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया, स्टेट बाउंड्री हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। तो हमें ये कॉन्वेंशनल सिंबल्स है और ये हमें मैप में हम यहां देखेंगे वो समझेंगे, यदि ऐसा आकृति है तो समझेंगे कि वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, यदि ऐसा आकृति है तो हम समझेंगे
कि ये स्टेट बाउंड्री है, और यदि एक लाइन ये डैश डैश करके यदि दिया रहे तो आप समझेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। उसी तरह से ट्रीज के लिए होता है, मान लीजिए कि ट्रीज की तरह के ये होता है, ट्रीज डिनोट करने के लिए।